सूरज, आपको आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग टैंक के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको अपने फसल में जो फंगस की वजह से अपने नुकसान हो जाता है उसकी रोकथाम के लिए अडामा कंपनी का कस्टोडियो एक फंजीसाइड है उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, चलते हैं, बिना वक्त बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं इस चैनल पे। तो किसान भाइयों, अडामा कंपनी ने अपना एक फंजीसाइड है जिसमें डबल टेक्निकल होने की वजह से हमारी फसल में होने वाले फंगस हमें बचाया जा सकता है। इसके अंदर एजेक्स्ट्रोबीन 11% और टेबाकोनाजोल 18.30% के हिसाब से आता है। ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टमेटिक फंजीसाइड दोनों होने की वजह से हमारी फसल में काफ़ी हद तक ये अच्छा काम कर लेता है। तो किसान भाइयों, इसे अपनी फसल में उपयोग करके हम इसे लाभ कर सकते हैं। तो चलिए, ये किन किन फसलों में काम करता है? ये मिर्ची के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाले और पाउडर मिल्डी के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। इसकी रिकमेंडेड डोज 300 ग्राम ml पर एकड़ के हिसाब से निर्धारित की गई है। तो चलिए आगे वाली फसल पे चलते हैं। तो इसमें जो अंगूर की फसल होती है उसके अंदर पाउडर मिल्डू और डाउनी मिल्डू, ये दोनों जो फंजीसाइड होते हैं उन पे बहुत अच्छा काम करता है। ये अपनी जो आलू होता है उसके अंदर भी अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, ये दोनों पे इसका बहुत अच्छा काम है। जो इसकी रिकमेंडेड डोज 300 ml पर एकड़ के हिसाब से निर्धारित की गई है। और टमाटर के अंदर होने वाले अर्ली ब्लाइट के अंदर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अर्ली ब्लाइट जो अल्टरनेरिया नामक एक फंगस होता है उसकी वजह से होने वाले भारी नुकसान को बचाने के लिए इसे टेबाकोनाजोल और एजेक्स्ट्रोबीन जो डबल टेक्निकल के अंदर है बहुत अच्छा काम करता है। और ये सेब के अंदर प्री मेच्योर लीफ फ्रूट डिजीज नामक फंगस को ये बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। उसके ऊपर ये 300 से 250 से 300 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका डोज निर्धारित किया गया है। जो ये फंगस है, जो अर्ली ब्लाइट और ये जो अपने आलू के अंदर ये अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट जो आते हैं, ये फंगस ज़्यादातर किसानों को पता नहीं रहता इस वजह से क्या है इसके सिम्टेंस और क्यों ये आता है। तो ये ज़्यादातर क्या होता है कि जब जमीन का टेम्परेचर 30 डिग्री के नीचे चला जाए, जब जमीन का टेम्परेचर 30 डिग्री के नीचे चला जाए और ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी जब 60 के ऊपर चली जाए तो लाजमी है कि ये फंगस अपनी फसल में आना ही आना है। तो ज्यादातर किसान भाइयों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अपनी फसल में कब आए। तो इसे प्री अगर लेकर चले, अडामा कंपनी के स्टूडियो को प्री में लेकर चले, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके फसल में होने वाले नुकसान से आप अच्छी तरीके से इसे क्लियर तरीके से आप बच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी से आप लाभ प्राप्त करेंगे और अपनी फसल से होने वाले इस फंगस से नुकसान को आप बच सकेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ला और लाइक कर लेना, तो इससे कि मेरा मनोबल बढ़ता है और आगे आपकी अच्छी अच्छी टेक्निकल जो आते हैं फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड वाइट फ्लाई हर चीज़ के लिए मैं आपको नई नई सजेशन देता रहूँगा और आपकी सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद।